हाय गाइस, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों, एक लावा का सेट आया हुआ है और इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम का दिक्कत है। ये देखिए, ये वर्क कर रहा है चार्जिंग कनेक्टर, इसमें क्या दिक्कत है उसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है, इसको किसी ने बनाया था और पेंट उखड़ी हुई कुछ, उसने जम्पर लगा के काम किया था। चलिए, मैं भी इस पर अच्छे से लाइन को ढूंढ कर फिर जम्पर से काम चला देते हैं, इसलिए पेंट उखड़ी हुई है। चलिए, मैं इसको फटाफट साफ कर लेते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं। थोड़ा पेस्ट लगाकर इसको भी साफ कर देते हैं। इसको हम पहले एक सांचे में इसको अच्छी तरीके से बिठा देते हैं और अब हम इसकी लाइन चेक करते हैं, प्लस माइनस की। ये प्लस की लाइन है पर ये उखड़ी हुई है। तो इसको जहाँ पर प्लस लाइन को यहाँ मिल रही है, यहाँ बढ़िया से अच्छे से इसको जम्पर करेंगे हम। चलिए, हम इस बैटरी कनेक्टर में दो जम्पर वायर लगाते हैं, पहले ये चार्जिंग पिन, चार्जिंग कनेक्टर सही है। चलिए, हम इसमें जम्पर करते हैं। कौन सा प्लस है वो हम आपको बताते हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। ये चलिए, हम इसको जम्पर करते हैं। हमने जम्पर भी कर दिया है। हम इसको यहाँ पर माइनस को सोल्ड करेंगे।
इसलिए अब इसको यहाँ पर इसको सॉर्ट करते हैं अच्छे से, ताकि ये दोबारा ना टूटे। दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर रोज़ की नई अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए अच्छे से इसको लगा लेते हैं। बढ़िया से इसको सोल्डिंग कर देते हैं अच्छे से। ये मजबूत भी हो गया अच्छे से। थोड़ा पीछे भी इसके जो चार जगह पे सोल्ड होता है, अब ये दो जगह और बचा है, इसको भी अच्छे से सोल्ड कर देते हैं, ताकि अपनी जगह पर अच्छे तरीके से जाम हो जाए, रुक जाए। चलिए हमने इसको सोल्ड कर दिया और अब हमको प्लस पॉइंट को जम्पर करेंगे, ये जहाँ पर हमको इसकी लाइन मिल रही है वो भी हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ पर जम्पर करेंगे। इस जहाँ पर हम इसको प्लस पॉइंट को जम्पर करेंगे, थोड़ा हम अच्छे से आपको दिखा दें। ये आप देख रहे होंगे या इसी के बगल में ये जो प्रिंट है, यहाँ पर प्लस का लाइन आ रहा है, हम यहाँ पर इसको जम्पर करेंगे। चलिए इसको भी जम्पर करके और फिर चार्जिंग चेक करके देखते हैं। चलिए वोल्टेज चेक करते हैं कितना आ रहा है। 3.7 से ऊपर आना चाहिए, 4.7 के बीच में, तो ये वोल्टेज तो परफेक्ट आ रहा है। चलिए अब हम इसको लगा के चेक करते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं चार्ज हो रही है। ये देखिए मेरी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो गई है। ये देखिए, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर।